अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे बड़ा खूबसूरत सा एक रिफर्बिश्ड रेक खड़ा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है सर सैयद एक्सप्रेस। ये सर सैयद एक्सप्रेस का रेक है जो कराची जाएगा और ये बाईपास जाएगा। पहले वन हुक होकर जाता था लेकिन उस पर काफ़ी खर्चा आ जाता था, अब ये बाईपास जाते हैं। मीनवाइल 7 अप तेज़गाम कराची से आकर रावलपिंडी जाने वाली बैंग ऑन टाइम आज लाहौर आई है। राइट टाइम आ रही ना, तो ये बड़ी हैरान कन बात है, वरना तेज़गाम नॉर्मली पिटी रहती है। ये राइट टाइम आ गई है और बड़ी धमाकेदार एंट्री 9025 के साथ। अभी यहाँ पे शंट होगी, इसके लाहौर कोटा की कोचेज कटेंगी और उसके बाद फिर ये बाकी कोचेज यहाँ तक जो रेक है इकोनॉमी क्लास का है, उसके बाद पावर वैन है, फिर 4 एयर कंडीशन कोच हैं जिनमें 1 स्लीपर, 3 बिजनेस क्लास हैं। पीछे ब्रेक वैन जो है वो लग जाएगी, इसमें एक प्रीमियम लाउंज भी है वो भी कट जाएगा। सबसे अंडररेटेड गाड़ी है ये पाकिस्तान की, इसके स्टॉपेजेस और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं लेकिन इसको लोग कंसीडर नहीं इतना करते। तो हियर इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, प्रीमियम लाउंज जो कि शान है इस गाड़ी की। अब यहाँ से रेक सारा कट जाएगा और मीनवाइल अभी 8 डाउन तेज़गाम थोड़ी सी लेट आ रही है, अबाउट 35 मिनट डिले के साथ आ रही है, 40 मिनट शायद हो जाए। तो बात की जाए सर सैयद एक्सप्रेस की, तो 1 सितंबर 2024 से इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है। रावलपिंडी से होपफुली कवर करेंगे, डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगी, तो ये समझ लें कि आपको एक शॉर्ट वीडियो है। और बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अभी गेट डाउन पे मिराजुल हक अंसारी साहब अटक के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मायानाज यूट्यूबर हैं और ट्रैवल विद मिराज के नाम से उनका चैनल है, उनसे भी आज मुलाकात होगी। तो बाकी ये कि अभी कुछ दिन में आपको सर्सेज की भी डिटेल वीडियो देंगे और इंशाल्लाह फिर होपफुली रावलपिंडी आपसे मुलाकात होगी इनॉग्रेशन पे। तो ये ब्रांड न्यू रेक प्लेस हुआ हुआ है, इकोनॉमी क्लास कोच है सामने, बाईपास कोचेज जाने चाहिए जिसमें से कुछ बिजनेस क्लास सुबह शालीमार और खैबर मेल के साथ चली गई हुई हैं। तो अच्छी बात है, CNR रेक था इसका पहले भी और इस बार भी CNR ही है। CNR रेक हर पैसेंजर के फेवरेट रेक्स हैं, किसी दौर में सेम रेक कराकरम एक्सप्रेस का हुआ करता था, तो अब तो खैर वो भी रिफर्बिश होने वाला है, उसमें मिक्स कोचेज चल रही हैं। अलबत्त सर्विसेज उसकी ठीक हैं, वैसे की वैसे हैं कोचेज, तो उनकी एवरी ईयर जो है ओवरऑल होती रहती हैं। तो ये न्यू रेक है। तो मिराज हक अंसारी साहब ट्रैवल विद मिराज बड़े फेमस यूट्यूबर हैं फ्रॉम अटक, तो मुझसे मिल चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम उमर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यार, आप अपना कीमती बहुत शुक्रिया, आपने हमने बताया, इन्फॉर्म किया कि आप गुजर रहे हैं, इसी तरह हम आपसे मिलने की सादत हासिल कर लेंगे। मेहरबानी है यार, आपकी मेहरबानी है यार, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप मिलने आए हो, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे भाई हो आप। तो आप कराची जा रहे हैं इसी पे? इंशाल्लाह कराची जा रहा हूँ और कराची एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज तो सुना था प्रीमियम लाउंज का भी बड़ा शोर मचा हुआ है कि मिराज भाई जा रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने भी अरेंजमेंट्स किए होंगे, बस अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। प्रीमियम लाउंज लग जाए तो फिर देखते हैं क्या सीन है आगे। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। तो हम जरा आप आपस में वक्त गुजारेंगे, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैं मिराज भाई का वैसे ही फैन हूँ और आप भी ट्रैवल विद मिराज जरूर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।